अच्छा हम एक बात आपसे पूछते हैं, मान लो जानकी जी अयोध्या में ही रह जाती तो क्या शास्त्र की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से क्या अनुचित था? अथवा वे जनकपुर चली जाती तो क्या अनुचित था? वनवास की अवधि का काल जनकपुर में सुखपूर्वक बिता सकती थी, लेकिन धन्य है न किशोरी जी अयोध्या में रही न जनकपुर में रही, राम जी का अनुगमन किया उन्होंने, अपने प्राण जीवन धन का अनुगमन किया। क्यों? क्योंकि नारी के परम परम आदर्श को प्रतिष्ठापित करना है श्री किशोरी जी को। तीय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा, इसको सुख प्रतिष्ठित करना है श्री किशोरी जी को। वाल्मीकि की वह पंक्ति हृदय को आंदोलित कर देती है। हा हा, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वंती कुशकंटकान्। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्वंती कुशकंटकान्। हे प्राण जीवन धन, हे आर्य पुत्र, मैं आपके पीछे नहीं, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। राम जी विषाद के काल में भी हंस गए, बोले रास्ता देखा है जंगल का है? देखा है पहाड़ को? चित्र में भले ही बन को देखा हो, कभी बन जाने का अवसर नहीं आया। क्या तुमने मार्ग देखा है? अरे चित्र में बानर की आकृति देखकर भयभीत हो जाती हो, कैसे आगे आगे जंगल में चलोगी? बोले मैंने मार्ग देखा भले ही न हो, पर फिर भी मैं आपके आगे आगे चलूंगी। क्यों? बोले मैं आपके चरणों को जब दबाती हूं तो आपके चरणों की कोमलता का अनुभव करती हूं। इतने सुकोमल चरणों से आप दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन में विचरण करेंगे? हनुमान जी जब सहन नहीं कर सके तो जानकी जी कैसे सहन करें? कठिन भूमि कोमल पद दामी कवन है तू बन बिचर स्वामी। कठिन भूमि कोमल पद दामी कवन है तू बन बिचर स्वामी। मैं आगे आगे इसलिए चलूंगी कि ये दंडकारण के नुकीले कंकड़ कांटे तृण ये आपके चरणों में न लगे, मैं आगे बढ़कर अपने चरणों में इन्हें सहन कर लूंगी, आपका मार्ग अकंटक बनाती हुई चलूंगी। दूसरा भाव है, भाई कांटे तो तुमको लगेंगे, कंकड़ तुमको लगेंगे जैसे हमको लगेंगे, और ऐसा नहीं है कि तुमको लगने के बाद हमको लगे ही नहीं, फिर भी कोई ना कोई कंकड़ पत्थर तो रह ही जाएगा, मार्ग अकंटक कैसे होगा? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि सरकार आप को स्मरण करा रही है, आपको सीख तो कौन दे सकता है, मैं विदेहराज नंदनी सुनैना नंदनी होने के साथ ही साथ भूमि नंदनी भी हूं, और भूमि नंदनी होने के कारण
ये चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, तीखी शिलाएं हो, कांटे हो, तृण हो, ये सब हमारे भाई लगते हैं, क्योंकि ये भी भूमि से उत्पन्न है। तो मैं भी भूमिजा हूं और ये भी भूमिज हैं। इस कारण से इनकी हमारी तो बहुत बहुत गहरा संबंध है, भाई बहन का संबंध है, हैं? तो अपनी लाडली प्यारी सुकुमारी बहन की चरण के कोमलता का विचार करके ये तृण शिल अंकुर अपनी कठिनता का त्याग करके ये अत्यंत अत्यंत माखन से भी अधिक मृदु हो जाएंगे। तो जब ये माखन के जैसे मृदु हो जाएंगे, मैं पग माग मग में नहीं चलूंगी महाराज जी, मैं तो ये शिल तृण अंकुर मेरे चरणों की कोमलता का विचार करके माखन से भी अधिक कोमल हो जाएंगे, और मैं तो ऐसे चलूंगी जैसे कोई माखन की कीच में चलता है, ऐसे में चलूंगी और आपका मार्ग अकंटक बना दूंगी। इसलिए महाराज जी, जब तक किशोर जी साथ में रहीं, बहुत ध्यान से सुने, जब तक किशोरी जी साथ में रहीं, तब तक ये प्रश्न किसी ने नहीं किया कि कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हे तू बन बिचरा विचरहु स्वामी। जब तक किशोरी जी साथ में थी तब तक किसी ने नहीं पूछा, न जाने कितने लोग मिले पर किसी ने नहीं पूछा। अब किशोरी जी थोड़ी देर के लिए अलग हो गई तो हनुमान जी ने पूछ दिया कि आप इतने कोमल चरण, इसका मतलब चरण तो पहले भी कोमल हैं पर किशोरी जी की सन्निधि से कठिन मार्ग कोमल मार्ग बन गया। आज जानकी जी नहीं है तो मार्ग की कठिनता अपने स्थान पर है, इसलिए हनुमान जी को वेदना हो रही है, आप कैसे इसको सहन करें। किशोरी जी वन में गई, कितने कष्ट सहन किए, किस लिए? इस धरती पर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के संस्कारों में पली पुसी नारी का सिद्धांत कितना श्रेष्ठ है, इस पूरे भूमंडल पर विराजमान करने के लिए श्री किशोरी जी ने यह कठोर कदम उठाया। जानकी जी अयोध्या में रह जाती या जनकपुर चली जाती तो इस आदर्श की स्थापना नहीं हो पाती कि भारतीय नारी को विवाह के पश्चात अपने पति के सुख में सुखी, अपने पति के दुख में दुखी रहनी चाहिए। पति यदि वन में जाए तो नारी को घर में रहने की जरूरत नहीं, उसे भी वन में जाना चाहिए। आज आज संबंध बने हुए तो हैं, संबंध बने कि नहीं बने, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मां बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, जीजा साले का संबंध, और जाने कौन कौन, भगवान जाने हम तो सब जानते भी नहीं, दुनिया भर के तमाम संबंध हैं, वो सब बने हैं, लाखों वर्षों से बने हैं, आज भी हैं। लेकिन एक बात हम आपसे पूछते हैं, क्या जो संबंध समाज में, राष्ट्र में, संसार में, मानव जाति के बीच बने हुए हैं, क्या उन बने हुए संबंधों का निर्वाह हो रहा है? बोलिए। नाम मात्र के लिए संबंध बने हैं, पति पत्नी का संबंध है पर संबंध निर्वाह नहीं है। मित्र के पैर में कोई चोट लग गई, खून निकल आया, अब दवाई वहां उपलब्ध नहीं थी, बोले क्या करें,
तो उसने अपने मित्र से कहा कि थोड़ा इस पर लघुशंका कर दो, हमको लघुशंका आ नहीं रही है, थोड़ा लघुशंका कर दो तो कम से कम जब तक चिकित्सक के पास जाएंगे तब तक कोई बैक्टीरिया इसमें ना आ जाए, इसके हम बच जाएंगे। तो मित्र बोला कितने पैसे की कर दें, मित्र क्या बोला कितने पैसे की लघुशंका कर दें, ये है संबंध, माने आफत जान में आ जाए। आज के मित्र कहेंगे यही कि जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां हम खून बहा देंगे, पर सही बात यह है कि जहां खून बहेगा वहां वो किनारे भी खड़े नहीं होंगे, भाग जाएंगे। संबंधों का निर्वाह नहीं है, संबंध तो हैं पर संबंधों का निर्वाह नहीं है। आप और अधिक हम क्या कहें, संसार में सबसे अधिक आध्यात्मिक विशुद्ध संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, पर कलयुग की विडंबना गुरु शिष्य संबंध का भी निर्वाह नहीं। कहने को गुरु है, कहने को चेला है, लेकिन क्या गुरु में गुरुता है और क्या शिष्य में शिष्यता है, ऐसे उदाहरण देखने में बहुत कठिनाई से प्राप्त होंगे जहां संबंधों का निर्वाह हो रहा हो। संबंध है पर संबंधों का निर्वाह नहीं हो रहा है, यही कारण है कि ये परमात्मा का बनाया हुआ संसार हमारे लिए दुख का खजाना सिद्ध हो रहा है। राम जी ने जैसे संबंधों को जी करके दिखाया, संबंधों का निर्वाह करके दिखाया, यदि वो संबंध निर्वाह करना राम जी के मंगलमय चरित्र से हम लोग सीख लें तो ये दुखमय संसार सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए सुखमय हो जाएगा। दो बातें हैं महाराज जी, या तो भगवान को दुनिया बनाना नहीं आई या भगवान की बनाई दुनिया में हमको रहना नहीं आया, बोलो सही बात क्या है। भगवान को संसार बनाना नहीं आया या संसार में हमको रहना नहीं आया, सही बात क्या है, है? भगवान को संसार बनाना नहीं आया, हाँ अरे तब तो और अच्छी बात है, हमको रहना नहीं आया तब ठीक, हमको रहना नहीं आया, भगवान को बनाना तो बहुत, भगवान तो क्या कहना, वेद जिनकी श्वास प्रश्वास से प्रकट है उनको बनाना नहीं आएगा तो बनाना किसको आएगा, उनको बनाना आया पर हमें रहना नहीं आया। भैया इसी रहने रहनी को सिखाने के लिए तो भगवान ने उतार लिया, संसार में जीव आता है, मनुष्य आता है, उसे कैसे रहना चाहिए। अब तो सत्संग होने लग गए हैं अलग से, माताजी अलग से सत्संग होने लग गए हैं, जैसे कोर्स होते ना होटल मैनेजमेंट और कौन कौन के मैनेजमेंट, ऐसी फैमिली मैनेजमेंट के भी कोर्स होने लग गए हैं। हमने पढ़ा नहीं पर सुनते हैं हम, अब इस तरह के सत्संग भी होने लग गए। हम उनका विरोध तो नहीं करते लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं किसी मैनेजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो राजनीतिक मैनेजमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना ही व्यापारिक मैनेजमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना ही धार्मिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है, मैनेजमेंट में व्यवस्थापन, ना धार्मिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है, ना सामाजिक व्यवस्थापन को पढ़ने की आवश्यकता है, केवल एक श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का आश्रय मनुष्य ले ले तो दुनिया के सारे मैनेजमेंटों की चरम सीमा पर वो पहुंच जाएगा। धार्मिक आस्तिक व्यवहारिक पारिवारिक सामाजिक सब प्रकार के व्यवस्थापन में वह सफल सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी कहते हैं भागवत के पंचम स्कंध में, मर्त्याव तारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्यावतार रक्षो बधायै वन केवलं विभो, रक्षो बधायै
केवलम। आपका अवतार मरण धर्मा मनुष्यों को अपने चरित्र के माध्यम से मानवता की शिक्षा देने के लिए आपका अवतरण हुआ। कैसा विलक्षण चरित्र है। क्या संसार की नारियां ये समझ पाती कि भारतीय पतिव्रता नारी का कर्तव्य क्या है। संपत्ति के काल में तो पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहे और जब विपत्ति का छणावे तो उठते ही दस गारी सुनावे, ये धर्म है पर नारी का नहीं। वो धैर्य दिलावे, साहस दिलावे, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, मैं आपकी काया की छाया बनकर आपकी दासी हूं ना, आप क्यों परेशान होते हैं। श्री जानकी जी साथ चल रही है। कोई सुख सुविधा की याचना की कि ये मकान पसंद नहीं है, दूसरा मकान लो, है तो यहां कोई दास नहीं, यहां कोई दासी नहीं, यहां कोई नौकर नहीं, मुझे ये सब करना पड़ता है, कभी शिकायत की। दूध के फेन को लज्जित करने वाली, शरणमयी सैयाओं पर विश्राम करने वाली किशोरी जी भूमि पर शयन कर रही है, कभी शिकायत की। राम जी की जो साथरी है, उस साथरी में राम जी के चरण जिधर हैं, किशोरी जी वहां शयन करती। इतनी चौड़ी साथरी नहीं है, दोनों एक साथ सो जाएं, एक प्रकार से कहें चरणों का ही तकिया बनाकर सो जाती। लखनलाल जी तो सोते ही नहीं। आहा,